एनडीसीएम साहब को गुजारिश करो बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सबसे पहले अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ आज की इस महफिल में उससे शरीफ में मुझे एक मौका मिला है ज्यारत करने का, खासतौर से हजरत की मजार शरीफ पर आज मुझे पहुंच दुआ करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं सारे सैनिक के साहब के उनके मुरीदों के और खासतौर से दरगाह के सज्जादे साहब मुतवली साहब शेख अहमद हादरी चिश्ती साहब का मैं फखरुद्दीन साहब सैयद सतुसूफी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा मुकाम होता है, यकीनन वो लोग खुश नसीब होते हैं जो उन्हें इनकी ज्यारत का मौका मिलता है या दुआ करने का मौका मिलता है। आज मेरे साथ हमारे दोनों अर्दिल अजीज कारपेंटर ये करना, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मुझे भी उनसे सीखने का कुछ मौका मिलता है। बड़े अदब के इंसान हैं, दुनिया में इंसान तो बहुत पैदा होते हैं, जिसमें अदब नहीं तो वो इंसान क्या फायदा। और औलिया अल्लाह जो मौका दिए हैं उनकी ज्यारत का, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसे वो चाहते हैं, तो मैं आज खास तौर से दुआ भी किया हूँ अल्लाह ताला आने वाला हफ्ते शेखर भाई को और खास कर देवेंद्र भाई को जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं फिर से अच्छी मिजाज से जितवाए। और आने वाला टाइम जरूर हमारे बीआरएस पार्टी का है, हमारे केसीआर साहब एक महान लीडर है, उन्होंने जितने सेकुलर है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई नहीं, हमेशा अभी देख लिए आप जो हाल है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। केसीआर साहब मुसलमानों को जो इज्जत दिए हैं, उन्होंने कहा एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाकर हमने सारी कौम को इज्जत देंगे, उसी तरह दूसरी मर्तबा अपने साथ होम मिनिस्टर बनाया गया, ये हमारे औलिया अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। ये तेलंगाना की तहजीब है, ये कल्चर है यहाँ का, और औलिया अल्लाह जितने तेलंगाना के अंदर है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के दूसरे क्षेत्र में नहीं है। जहाँ पर औलिया अल्लाह का ख़त्म होता है ना वहाँ हमेशा के लिए राहत और सुकून मिलता है। तो हमारे दोनों कॉर्पोरेटर यहाँ पर आने पर मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे बदर भाई यकीनन यहाँ के होम मिनिस्टर है, बड़े अच्छे इंसान है, मुझे भी उनसे सीखने का मौका मिलता है, वो प्यार से रहते हैं सब, और मेरे पास जब तक मैं डिप्टी सीएम रहा होम मिनिस्टर है मैं हमेशा देखा बदर भाई को किसी के साथ नाइंसाफी हो तो उन्हें लेकर आते हैं, किसी की जमीन में नहीं जाते, किसी खराब आदमी की मदद नहीं करते, और जब भी आते मेरे पास मजलूम को लेकर आते हैं, जहाँ नाइंसाफी होती है उन्हें पकड़ कर लाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इंसान मदद अच्छे आदमी करना चाहिए, हक के लिए मदद करना चाहिए। बड़ा मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ, जब मेरे पोतरे को पॉलिटिक्स में आने का शौक हुआ उन्होंने कहा एक दिन के इनको भी कुछ एक्टिव कीजिए, तो मैं किसका शागिर्द बनाऊ, बदर भाई का शागिर्द बनाऊ मेरे पोतरे को, क्यों अच्छे इंसान के शागिर्द जो बनते हैं वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। कभी कोई पैसे वाले से ले आकर नहीं मिला, वो बदर भाई को मिला, बदर भाई जरा आपके साथ रखो कुछ ऐसे सीखने को मिल जाएगा। तो मुझे बहुत फख्र से नाम लेता हूँ बदर भाई का, हमारे यीशु भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा पिछले इलेक्शन में मंगोड़ में इनके फार्म हाउस में हम कम से कम 200-300 आदमी 24 घंटे रहते थे, खाना खाते थे, और जो खाने खिलाने वाला इंसान होता है अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की देता है, उसे पसंद नहीं करता है। तो हमारे सरदार भाई साहब बुच्ची बाबू साहब महिंदर भाई साहब विठल भाई साहब और हमारे आपके एमएलए बड़े अच्छे इंसान लक्ष्मण जी साहब आज मौजूद नहीं है, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि वो तबीयत खराब में भी आना चाहते थे, और मुझे फ्लू हो गया है तो दूसरों को लग जाएगा उससे एहतियात करना चाहते वो समझ कर नहीं आए। और ऐसी जो महफिल है औलिया अल्लाह की महफिल है जहाँ पर नेक फरिश्ते आ रहते हैं, जिसको भी मौका मिलता है वो खुश नसीब इंसान है। अरे मीडिया के दोस्तों और जितने मोतखरीन यहाँ हैं
सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। औलिया अल्लाह के पास इंसान को सीखने के लिए मिलता है। जितने औलिया अल्लाह है जो मुंह से कहते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप जानते हैं बहुत पुराने किताबों में हमने पढ़ा है, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गोलकुंडे को फतह करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी फौज में दो मजूफ लोग थे। रात में तूफानी बारिश हो रही थी और पूरा खीमे उड़ चुके थे। हज़रत यूसुफ शरीफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह दोनों कुरान पढ़ रहे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर निकल कर देखा कि पूरे खेमे उड़ चुके हैं मगर कोई कुरान पढ़ रहा है, ऐसे रोशनी जहाँ से मिल रही। जब वहाँ देखे उनकी करामत तो फौरन ख़त्म बस हो गए। सरकार मैं 3 महीने से यहाँ पढ़ा हूँ तो खिलाफ फतह नहीं हो रहा है, एक बार आप मुझे दुआ कर दीजिए। उन्होंने एक डिग्री पर लिख कर दिया और इमीडिएट सुबह में उन्हें फतेह हासिल हुई। ये बुजुर्गाने दीन का बहुत बड़ा करिश्मा होता है। ये अल्लाह के वली है, अल्लाह ताला इनके बाद जब इन्हों किसी पर किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी पर शफकत का हाथ रखते हैं, यकीनन उसे कामयाबी मिलती है। और हमेशा हमारे औलिया अल्लाह ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बहुत काम किया। आज देख रहे हैं माहौल किस तरह बिगड़ रहा है, पर हमारे केसीआर साहब ने तेलंगाना में जब तक पावर में रहे बहुत अमन और भाईचारे को बहुत फर्क दिया है। आज हम लोग जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मिलजुल कर रह के ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये औलिया अल्लाह की तालीम है। आज यकीनन हम फख्र से सर ऊँचा है क्योंकि हमारे दोनों भाई कारपेंटर आज इस महफिल में मौजूद है। यकीनन वही लोग इस महफिल में मौजूद होते हैं जिसे हिदायत होती है। आज दुआ जो की गई है अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करेगा। हमारे दोनों भाई फिर से बहुत बड़ी मिजाज से जीतेंगे और आपकी खिदमत करते रहेंगे। मैं आज यकीनन मीडिया के भाइयों का, सभी भाइयों का और ख़ासतौर से बदर भाई का भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुद मेरे पास घर पर आए कि चलना है सुबह, बताए मुझे फ़ोन कर कर, क्योंकि बदर भाई की कोई बात को मैं टालता नहीं हूँ। बदर भाई जहाँ चलो बोले, कभी ये नहीं कहता कि बदर भाई जब मैं निकल रहा था तो मेरे लड़के आज से मुझसे आज़म साहब मिले, पापा दावत में जाना है ज़रा जल्दी, अल्लाह दरगाह शरीफ जाने के बाद जल्दी की कभी सोचते नहीं। जब तक उनकी नज़र इनायत हम पर रहेगी, वही मौजूद रहेंगे, आराम से जाएंगे। तो मैं तमाम हमारी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद है, और यही कहता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, खुशहाल रखे, हम में एकजहती पैदा करें। एकजहती का मतलब सिर्फ मुसलमान मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम की एकजहती होना चाहिए। ये प्यार जो औलिया अल्लाह ने हमें दिया है, औलिया अल्लाह के मज़ारों पे कौन आते हैं? जितने मुसलमान जाते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं। हम यही दुआ करना है अल्लाह ताला, आजकल मुल्क के अंदर हालात बदलते जा रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है बदलने की, नहीं है बदलने की ये ज़रूरत है। हमें अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दे और हिंदू मुस्लिम इतिहाद में रहकर इस मुल्क की तरक्की करें और हम आपस में मिलजुल कर रहें, यही हमारे औलिया अल्लाह की तालीम दे रही है। हमारी बहनों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस महफिल में मौजूद है। और फिर इंशाल्लाह आने वाला वक्त एक बार बताता हूँ, मैं सरकार की कदमों से दुआ भी किया हूँ कि फिर से हमारे केसीआर साहब को फिर एक बार मौका अता फरमाएँ ताकि फिर से आज की खिदमत कर सकें। और वो बहुत औलिया अल्लाह के केसीआर साहब दरगाह निज़ामुद्दीन जो दिल्ली में मौजूद है, वहाँ पर महीनों बैठे हैं भाई, एक दो दिन नहीं, वहाँ से तफारुक पड़ता है वो खुद खाते थे और दरगाह कमेटी के मेंबर भी बने थे बाद में। तो मैं यही हमारे सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत दे, मुकम्मल तरीके से इंतजार दे, क्योंकि वो जिस तरह इंतजार चलाए वो तेलंगाना लाने वाले भी होंगे, तेलंगाना तहरीक चलाने वाले भी होंगे, तेलंगाना के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले इधर है वो केसीआर साहब, उनके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और औलिया अल्लाह के ज़रिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला वह फिर से इतजाद में फिर से मौका दे और जिस तरह सबका में उन्होंने इंसाफ किया है आने वाले वक्त में भी उसी तरह सब कौमों के साथ इंसाफ करेंगे। और ख़ास तौर से इस दरगाह शरीफ के सज्जादे साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि औलिया अल्लाह की खिदमत करना यकीनन खुदा की खिदमत करने के बराबर है। आज जो मुझे मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जो लोग महफिल में तशरीफ लाए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन सब की दुआएं कबूल फरमाए।
और उन्हें जो बीमार है उन्हें सेहत फोन बढ़ाएं, जो हाजत है कि जो मजबूरी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे, हर तरीके से उन पर अपना रहम और फजल हाजिल करे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। यही मेरी दुआ करते हुए मैं मुझे जो वक्त दिया गया है मुतवल्ली साहब का और तमाम यहाँ के दरगाह के सज्जादे नसीन और जितने भी यहाँ के मेम्बर्स है जो खिदमत गुजार है उन सबका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे जो मौका देने पर फिर एक बार मैं सज्जादे साहब से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि केसीआर साहब को फिर से नजर आए ताकि रफ्तार पर आने पर सारा तेलंगाना में इंसाफ होगा, हर एक के साथ उनका हक मिलेगा और हम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि केसीआर साहब भी मौली अल्लाह के बहुत मुतकिल है, हमेशा बड़ी बड़ी दरगाहों पर जहाँ पर भी है वो बराबर जाते हैं, हम मन्नत करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। हमने ख़ासतौर से अजमेर में एक रुबात बनाने के लिए एक एकड़ ज़मीन दी थी, उसके लिए केसीआर साहब ने 3 करोड़ रुपये अमाउंट भी भिजा चुके थे, ज़मीन भी अलाट हो चुकी थी, पर बाद में कुछ लोगों की वजह से वहाँ में कामयाबी नहीं मिली। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो ज़रूर रुबात बनाएंगे और केसीआर साहब को अल्लाह ताला फिर से इफ्तार दे, हमारी यही दुआ है। उसी के साथ मुझे मौका देने पर शुक्रिया अदा करते मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अलहम्दुलिल्लाह।